आपने बात नमाज के हवाले से, यानी नमाज के बाद दुआ जिक्र वगैरह के हवाले से, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अगर बंदा नमाज पढ़े, वाजिब नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद खुदा से कोई हाजत तलब ना करे, तो खुदावंद आलम फरिश्तों से कहता है कि मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि उसने वाजिब नमाज को पढ़ लिया लेकिन नमाज के बाद उसने हाजत तलब नहीं की, गोया वो बंदा खुद को बेनियाज समझता है, लिहाजा उसकी नमाज उसी के मुंह पे मार दो। क्यों? खुदावंद आलम चाहता है कि बंदा खुदा से कुछ मांगता रहे, कुछ तलब करता रहे। एक और हदीस कुदसी में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि बंदा नमाज पढ़े और मुझसे कुछ तलब ना करे नमाज के बाद, तो फ़कद जफानी, गोया उसने मेरे ऊपर जुल्म किया है, बंदे ने खुदा के ऊपर जुल्म किया। खुदा कितना चाहता है अपने बंदे से कि खुदा इंतज़ार करता है कि खुदा इतना अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो चाहता है बंदा कुछ तलब करता रहे, कुछ मानता है। अच्छा, आयतुल कुर्सी के बारे में कल गुफ्तगू हो रही थी, एक दो बातें आज आयतुल कुर्सी की, फिर बात मुकम्मल करेंगे। आयतुल कुर्सी के बारे में पैगंबर इस्लाम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, तौरात बेहतर है या कुरान? पैगंबर से सवाल किया गया। हर लोगों का एक डाउट होता है, वो क्लियर करने के लिए तो पैगंबर ने फरमाया, तुम पूरे कुरान की बात कर रहे हो, कुरान में एक ऐसी आयत है जो ना फकत तौरात बल्कि गुज़िश्ता पैगंबरों पर जितने सहीफे और किताबें नाजिल हुई हैं उन तमाम किताबों से अफजल वो एक आयत है। कहा, या रसूल अल्लाह, कौन सी आयत है? तो आपने फरमाया वो आयतुल कुर्सी है ना, तमाम आसमानी किताबों से बेहतरीन और अफजल तरीन आयत है। और आयतुल कुर्सी की तिलावत के बारे में मौलाए मुत्तकियान बयान करते हैं कि अगर आप लोग आयतुल कुर्सी की फजीलत को जान लेते और उसके जो मानवी आसार और बरकतें हैं उसके बारे में इल्म हासिल कर लेते तो फिर तुम किसी भी सूरत में उसे तर्क ना करते। आज हम तर्क इसलिए कर देते हैं, हल्के में इसलिए लेते हैं कि उसकी अहमियत और फजीलत हमें मालूम नहीं है, अगर मालूम हो जाए तो बंदा किसी भी सूरत में उसे तर्क नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद जो और ताकीबात में से एक और दुआ जो मशहूर और मारूफ है और ये इंसान के मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए भी है, हाफिज़े को बढ़ाने के लिए भी है, हर नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है, खुसूसी तौर पर मगरिब के नमाज के बाद इसकी ताकीद है। और मैं ये बात भी बता दूं कि अब जितनी दुआएं वगैरह सब बताई जा रही हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसान ये पूरी दुआएं पढ़ता रहे, फिर तो उसको काम धंधे पे भी जाना नहीं होगा, 24 घंटे पढ़ना ही होगा। यहाँ बताने का मतलब ये है कि इंसान को फुर्सत मिली, जवान नौजवान को अगर वक्त मिला तो वो गेम खेलने में वक्त बर्बाद ना करे, दुआओं का मुतालिया करता रहे, मुनाजात पढ़ता रहे। यहाँ पर बयान करने का मकसद ये है। तो जो एक ताकीबात के उनवान से है वो मशहूर मारूफ दुआ है जो सुभान मल्ला यातदी अला अहले ममलिकते से शुरू होती है, 3 लाइन की ये दुआ है, बहुत ही बेहतरीन दुआ है कि इसमें खुदावंद आलम खुदा की पाकीज़गी की गवाही देते हुए फिर खुदा से अपने लिए कुछ बातें मांगता है, तलब करता है। उसमें से जो खुदा से बंदा मांगता है वो ये है, अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा, परवरदिगार तू मेरे दिल को नूरानी कर दे, मेरे दिल को एक नूर अता कर, वह बसरा और मुझे ऐसी आंखें दे कि जिससे मैं हकीकत को देख सकूं, है ना। हमारी आंखें इसलिए नहीं हैं कि पहाड़ दरिया दरख्त वगैरह को देखें बल्कि हमारी आंखें हकायक को देखने के लिए हैं, हकीकतों को देखने के लिए हैं।
तो इंसान खुदा से ये दुआ करता है कि हमें नूरानी दिल दे। जब तूने नूरानी दिल दे दिया तो फिर हमें ऐसी आंखें दे कि हम हकीकत को देख सकें। वफहमा, तो फिर हमें क्या अता कर, बेहतरीन फहम। कुरान तूने नाजिल किया है लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि कुरान में क्या है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि नमाज में क्या है। तो तू मुझे फहम और शुऊर अता कर कि मैं नमाज पढ़ूँ तो नमाज को समझ कर नमाज पढ़ूँ, कुरान की तिलावत करूँ तो कुरान को समझ कर कुरान की तिलावत करूँ। व इल्मा, और हर वो मुफीद इल्म जो मेरे दुनिया व आखिरत में काम आ सके वो इल्म मुझे अता कर। और ये जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ तेरे लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर, है ना, तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये मैं जो मांग रहा हूँ तेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, है ना। ये एक दुआ है। और एक बात, चूंकि एक मोमिन की जिम्मेदारी है, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने दूसरे मुसलमान और अपने मोमिन भाई का ख्याल करे, चाहे वो अपने मोमिन भाई जिंदा हो या मुर्दा। तो ये मोमिन की पहचान ही ये है कि वो कुछ भी मांगता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता बल्कि दूसरों के लिए मांगता है। छठे इमाम से हदीस भी है कि अगर बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है तो दूसरों की एक हाजत पूरी होती है, उसकी खुद की 100 हाजतें पूरी होती हैं, है ना, दूसरों के लिए मांगता है तो। और अगर सिर्फ अपने लिए मांगता है तो उसकी एक भी हाजत पूरी नहीं होती, है ना। मतलब परस्ती इस्लाम में चलने वाली नहीं है, दूसरों का भी ख्याल होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी वो मशहूर दुआ, कभी कुनूत में भी आप पढ़ते हैं, नमाज जनाजा में भी आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर लिल्मुमिनीन वल मुमिनात, है ना, परवरदिगार तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहों को माफ कर दे, उनको बख्श दे, सही। इसी तरीके से वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, आखिर तक वो जो दुआ है चाहे इंसान कुनूत की शक्ल में पढ़े या फिर नमाज के बाद तस्बीह हज़रत ज़हरा के बाद ये दुआ करता रहे। अच्छा, एक और दुआ जो इंशाअल्लाह आज आखिरी बात होगी, कल सजदाए शुक्र पर इंशाअल्लाह बहस करेंगे। ये दुआ खुसूसी तौर पर तमाम बिजी लोगों के लिए है, है ना। इसमें मौलाए मुत्तकियान से एक ने सवाल किया है, पहले मैं हवाला दे दूं कि बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 91 पेज नंबर 242 सफ़ा नंबर। तो ये दुआ है बिजी लोगों के लिए, जो बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं उनके लिए है एक दुआ। तो इसकी दास्तान बल्कि एक जो हिकायत है वो इस तरीके से है कि एक शख्स मौलाए कायनात की खिदमत में आता है और कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा काम धंधे हैं, मैं हर दुआ को पढ़ नहीं सकता, लिहाजा कोई आप ऐसी दुआ की तालीम दें कि मुख्तसर हो और तमाम चीज़ें उसमें आ जाएं। तो मौलाए मुत्तकियान ने उस वक्त एक दुआ की तालीम दी। बहरहाल मौला हल्लाल मुश्किलात हैं, सलूनी का दावा करने वाले हैं, हर एक का जवाब मौला रखते हैं। तो आया, कहा, अच्छा तू ये आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, चल तू आ गया है तो मैं तुझे खाली भी नहीं भेजूंगा। तो मौलाए कायनात ने कहा, चार जुमलों की एक दुआ की तालीम तुझे मैं देता हूँ, अगर तूने ये पढ़ लिया तो तमाम दुआओं और मुनाजातों का खुलासा है। अच्छा, देखिए कितनी बेहतरीन दुआ मौला ने उसे तालीम दी है। कहा कि तू रोजाना सुबह नमाज के बाद एक मरतबा कम से कम तू ये दुआ पढ़ ले, चार जुमलों को तू दोहरा ले, तो यूं समझ ले कि दिन भर तूने मुनाजात और दुआओं में वक्त गुजारा है। अल्लाहु अकबर। तो पहला जुमला मौला बयान करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाही अला कुल्ले निअमे, यानी क्या, मैं शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का तमाम नेमतों के मुकाबले में जो उसने हमें दी है, है ना। हमने कब गिड़ गिड़ा के रो रो के मांगा कि हमें धड़कता हुआ दिल दे, अल्लाह ने हमें दे दिया है।
कब हमने आंखें मांगी अल्लाह ने हमें दिया है, कब हमने सांस लेने के लिए रो रो के खुदा से कहा परवरदिगार तू हमें अच्छी हवा दे, अल्लाह ने दिया ना हमें हम सबको। तो मौला बयान करते हैं इन तमाम नेमतों का शुक्रिया इस एक जुमले में कि अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली निअमे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ परवरदिगार का तमाम नेमतों के मुकाबले में। वअस्अलुल्लाह मिन कुल्ली खैर, ये दूसरा जुमला, परवरदिगार मैं तुझसे तमाम खूबियों की दरख्वास्त करता हूँ, जितनी अच्छाइयां हैं तो मुझे दे दे, है ना, एक शॉर्ट जुमले में पूरी खूबियों को ये मांग रहा है। तीसरा जुमला वअस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्ब, परवरदिगार जो कुछ मुझसे गुनाह हो गए हैं मैं तमाम गुनाहों के बारे में तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ, तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। वअऊज़ु बिल्लाह मिन कुल्ली शर, परवरदिगार मैं तमाम बुराइयों और शर से तुझसे पनाह चाहता हूँ, है ना, तमाम बुराइयों से पनाह भी उसने मांग लिया, तमाम खूबियों की दरख्वास्त भी उसने कर ली इस एक दुआ में, और तमाम नेमतों के मुकाबले में शुक्रिया भी अदा कर लिया, और तमाम गुनाहों के मुकाबले में उसने बख्शिश भी तलब कर ली। ये एक दुआ है जिसके बारे में मौला बयान करते हैं कि तुम इतने बिजी हो कि कोई और दुआ नहीं पढ़ सकते, तो यही एक दुआ तुम्हारे लिए काफी है, इसी को पाबंदी के साथ पढ़ते रहो, इसकी तिलावत करते रहो। खुदावंद आलम से दुआ है कि खुदावंद आलम मुहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमें तमाम दुआ मुनाजात जो हमारे हक में बेहतरीन है उसकी तिलावत करने, उसे समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.